केंद्र सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में आंध्र प्रदेश के साथ बड़ी नाइंसाफी होने की शिकायत पर वाम दलों द्वारा गुरुवार को आहुति प्रदेश बंद के मद्देनजर पूरे शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं। शिक्षण व व्यापारिक संगठन भी बंद हैं, वह दौरान स्वेच्छा से बंद रखे गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाम दलों के नेता आरटीसी बस स्टैंड के पास आंदोलन करते हुए बसों को रोक रहे हैं। राज्य के हित के संरक्षण के लिए राज्य भर के लोग एकजुट होकर बंद को सफल बना रहे हैं। श्रीकुल्लम जिले के अमदा लवासा में पुलिस ने बंद में भाग ले रहे वाईएसआरसीपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष तम्मी नैनी सीताराम को गिरफ्तार कर लिया है। उसी तरह पालकोड़ा में वाईएसआरसीपी के प्रदेश महासचिव रेड्डी शांति को भी गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय बजट में प्रदेश के साथ अन्याय होने की शिकायत को लेकर एपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने रैली निकाली, जिसमें यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नलिनी धर्मा राव सहित कई पत्रकार भी गिरफ्तार किए गए। पूरे जिले में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व शिक्षण संस्थान बंद रहे। नेल्लोर जिले में भी वाईएसआरसीपी के विधायक अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। विजयमरु में भी वाईएसआर पार्टी के तत्वाधान में बंद का आयोजन किया गया। वेंकटगिरी क्रॉस रोड सेंटर पर वाईएसआरसीपी कांग्रेस सहित वाम दलों के नेता व कार्यकर्ताओं ने रास्तों रोको कार्यक्रम का आयोजन किया। कृष्णा जिले में वाईएसआरसीपी के नेता पारथ सारथी मल्लादी विष्णु के नेतृत्व में धरना दिया गया। पूरे जिलों में आंध्र प्रदेश के व्यापारिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान भी बंद करा दिए गए। गुंटूर में भी बंद का असर देखने को मिला। सभी दलों के नेता व कार्यकर्ता जगह जगह पर रैलियां निकालने के अलावा धरने दे रहे हैं। प्रकाशम से लेकर विजयनगर तक सब जगह यही हाल है। जिले के 11 बस डिपो से बस से बाहर तक नहीं निकल पाई हैं। कड़पा जिले में भी बंद देखा जा रहा है। आरटीसी की बस को डिपो तक ही सीमित कर दिया गया। कड़पा के महापौर सुरेश बाबू के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई है। विजयनगरम में बंद की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। यहाँ तक के आरटीसी कर्मचारी भी बंद के समर्थन में उतर आए।